भगवान बुद्ध की मूल भाषा पाली है, उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताएं। देखिए, सीखने के लिए सबसे आसान तो तरीका, अगर वास्तव में आपकी इच्छा बहुत ज्यादा है और तीव्र है और आप सीखना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर हम अभी दे देते हैं प्रोफेसर गढ़पाल जी का। प्रोफेसर गढ़पाल जी हैं, मैं अभी नंबर मत दीजिए, ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर हो जाए, पूरे देश प्रोफेसर गढ़पाल जी हैं, आप इनबॉक्स में जाकर नंबर ले रहे हैं, मिल जाएगा अगर ऑनलाइन, क्योंकि हम उनकी परमिशन से उनको डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोफेसर गढ़पाल जी 10 दिन का पाली सिखाने का एक लाइव 10 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स कराते हैं, आप उनका कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना खाना फ्री है उसमें, खाना आपके पैसे है, ज़्यादा नहीं होता, और 10 दिन में वो आपको इतनी पाली सिखा देंगे कि आपको धम्मपद पढ़ना आसान हो जाएगा, पाली समझनी आनी शुरू हो जाएगी, और आप पाली में बोल भी सकते हैं कुछ कुछ, वो बोलना भी सिखाते हैं, वो खुद भी बोलते हैं। बाकी इसको सीखने का और आसान तरीका ये है कि पाली अब ऑनलाइन भी वो स्टार्ट करने वाले हैं, और पाली का ऑनलाइन कोर्स आने वाला है धीरे धीरे, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा पाली की किताबें बहुत सारी आ गई हैं, पाली से हिंदी में सीखने की किताबें आ गई हैं, आप वो किताबें सर्च करें, सम्यक प्रकाशन के पास में वो किताबें काफ़ी सारी हैं, आप वहाँ से ले लें, और गढ़पाल जी के पास भी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी अपनी किताबें बनाई हैं, उनके नाम से भी है, वहाँ से ले लें। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हैं और जो पाली में लिखा हुआ है वो ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत आसान है। जैसे पंजाब के अंदर जो कहते हैं ना अमृतसरतो जी, तो अमृतसरतो का मतलब है अमृतसर से जी, पाली में भी ऐसे बोला जाता है जी, अमृतसरतो जी, मुंबई तो यानी दिल्ली तो ऐसे ही बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी भारत में जितनी भाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको पाली का अंश मिलेगा, और इसके बाहर जो चीन है, कोरिया है, जापान है, उसमें आपको अंग वाला अंश मिलेगा, जो वहाँ बोलते हैं चिंग मुंग पोंग टोंग, ये बुद्धंग शरणंग धम्मंग जो बाद में अंग आता है, ये उसी का अंश है जो वहाँ गया हुआ है जी। तो पाली सीखना बहुत आसान है और बहुत सरल है। आप प्रोफेसर गढ़पाल से संपर्क करें, किताबें ले लें, और एक चैनल टीम 22 करके अभी स्टार्ट हुआ है, उस पर भी पाली सिखाने का काम चल रहा है, SM न्यूज़ में भी पाली क्लास लगेंगी, और प्रोफेसर साहब को यहाँ बुलाया जाएगा, जैसा सुरेंद्र जी ने वादा किया है, तो आपको आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया सुधीर जी, और एक बात मेरे को बताइए कि ईश्वर है या नहीं वो बताएं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो शय वर्ड है ईश्वर में, जो शय वर्ड आता है आधा शय जी, ये आधा आधा शय वर्ड, शय जो वर्ड है पाली में नहीं है जी, पाली में नहीं है, इसका मतलब मगध के समय में ये वर्ड शब्द ही नहीं था जी। शय षटकोण वाला जो विषय में आता है जी, वो भी नहीं है जी। तो शय के जितने शब्द हैं वो बाहर के शब्द हैं, यहाँ के नहीं है जी। ईस जो है वो पाली के अंदर है, ईस जी, ईस का मतलब होता है जो लोक में ना हो, यानी अलौकिक। अलौकिक का मतलब है जो लोक में ना हो, और पाली में जो लोक को बोला है वो बोला है शरीर को बोला है, यानी कि जो आपका ये शरीर है इसको पाली में लोक बोला गया है जी। और लोक का मतलब बाहरी भी होता है, तो अलौकिक का मतलब है लोक से परे, यानी कि शरीर से परे। इसका मतलब यहाँ पाली में जो हम डिफाइन करते हैं, बताते हैं, वो ये है कि जो आप शरीर में बाह्य रूप से देखते हैं, जैसे ये खाल है, बाल है, नाक है, कान है, इसका रंग है, रूप है, दांत है, मुंह है, ये तो है लौकिक है, मगर इससे परे जो अंदर जो चलता है मनुष्य के, मैं अंगों की बात नहीं कर रहा, जो उसको चलाता है, जो उसका सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसको मन बोलते हैं, जिसको बुद्ध ने मन बताया, ह्यूमन का सॉफ्टवेयर, यानी ह्यूमन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो बुद्ध ने खोजा, उसी के लिए दुनिया उनको साइंटिस्ट बोलती है। तो जो ह्यूमन का सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम माइंड है और मन है, वो अलौकिक है, यानी कि वो शरीर से परे है। उस अलौकिक होने की वजह से उसे ईस बोला जाता है जी। और बाद में जब ये भाषा प्रचलित, क्योंकि ईश्वर जो वर्ड है पाली में बुद्ध के समय का नहीं है जी, तो पाली के ही शब्द को, अलौकिक शब्द को ईश्वर करके बोला जाता है, यानी कि स्वयं का अध्ययन करना, अपने बारे में बताना और अपने अंदर के बारे में बताना जी।
तो पाली में तो इस और वर्क करके ऐसे शब्द बनता है, बाकी शय नहीं आता, ये बाद में आता है। कुछ लोगों ने इसको चमत्कारिक रूप से जोड़ दिया कि भाई कोई ऐसी शक्ति है जो चमत्कारिक है, पाली में इसका कहीं कोई महत्व नहीं है, पाली में तो चमत्कार का ही महत्व नहीं है।